क्या हादसा हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदी क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भी हम हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसके अंदर एल्केन एल्केन एल्काइन्स की रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शन और उनकी प्रिपरेशन सीखने वाले हैं। क्या हादसा हो गया आपके साथ? क्लास के एंड में बताऊंगा। चलो लास्ट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्केन एल्काइन करने वाले। हम लोगों ने इससे पहले क्या किया था भाई, हम क्या कर रहे थे पता है? हम कर रहे थे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर रहे थे कुछ। तो ऑक्सीडेशन में क्या, MnO4 के साथ में ऑक्सीडेशन किया था, अल्कोहल बना था, याद है किसी को? Mn2O, MnO2O3 के साथ ऑक्सीडेशन किया था तो क्या बना था? रिवाइज नहीं किया ना किसी ने भी? पीछे वाला लेक्चर जरूर रिवाइज किया कीजिए, वो बहुत एल्डिहाइड बना था। यस राइट बेटा कृष्णा, राइट है ना। तो अब हम आगे का थोड़ा भाई काम करने वाले हैं, इसी ऑक्सीडेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, देखो ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, याद रहे ना रहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी, है ना, लेकिन नाम पूरा याद रहना चाहिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन का मतलब है B2H6 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसकी यहाँ BH3 लिखा होता है, BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये B2H6 की फॉर्म में डाइमर बनाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था डाइमर कैसे बनता है, याद है? बनाना बॉन्ड और डाइमर। तो ये भी वही है, एल्युमिनियम AlCl3 का हमने किया था बनाना बॉन्ड, तो ये BH3 है। बोरोन एल्युमिनियम फैमिली में ही आता, बोरोन फैमिली में ही एल्युमिनियम आता ना, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, याद होगा सबको। तो बोरोन सेम चीज करता है, ये भी डाइमर बनाता है B2H6 की फॉर्म में, ये भी डाइमर बनाता है B2H6। ठीक है, इस फॉर्म में होता है लेकिन जनरली हम यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लिक्विड फॉर्म में इसको एज ए सोलवेंट यूज करते हैं, एज ए सोलवेंट। ठीक है, मतलब पानी की जगह पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, हर जगह पर पानी यूज नहीं होता, ये दिमाग में रख लेना। ऑर्गेनिक रिएक्शन जब याद करते हो कुछ चीजें तो ऐसे ही लिखी होती है, क्योंकि सोलवेंट एज ए सोलवेंट यूज होता है, हमें लगता है ये भी कुछ जुड़ता घटता कुछ होता होगा, ये कुछ नहीं करता भाई साहब। ठीक है ना, ये भाई तो बस बैठा रहता है, देखता रहता है, ठीक है भाई तुम लोग अपने बच्चे हो खेलो वैसा कुछ। तो भाई इसके साथ भी क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ में क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है फिर इसके बाद H2O2 और OH नेगेटिव। ठीक है, बेस के साथ H2O2 दोगे तो ऑक्सीजन डोनेट कर देता है, तो सबसे पहले तो BH3 इसको हाइड्रोजन दे देता है, इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर H4O2 जो है इसको OH डोनेट कर देता है, BH बोरोन यहां से चला जाता है, यहां बोरोन लगा होता है तो बोरोन यहां से चला जाएगा और OH H2O2 से आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐसा होता है। तो यानी ये कुल मिला के अल्कोहल देगा, लेकिन इसको अल्कोहल से याद मत करना क्योंकि ये सेकंड स्टेप है। अगर सिर्फ फर्स्ट स्टेप की बात करें तो सिर्फ हाइड्रोजन देता है, BH3 हाइड्रोजन डोनेट करता है, याद रहेगा सबको, लिखा करो ये चीजें, है ना। नमस्ते दीपक बेटा, नमस्ते। तो BH3 हाइड्रोजन डोनेट करता है, सीधी बात। आगे मैकेनिज्म देखते हैं भाई, इसका मैकेनिज्म जो है वो 12th क्लास में भी आएगा, डिट्टो आएगा, डिट्टो ऐसा का ऐसा, यही चीज सेम टू सेम। इसलिए 11th वाले कई बार जब हम 12th क्लास में बोल देते हैं ना बच्चों को कि ये 11th में आपने किया था, तो बच्चों लगता पता नहीं कितना ही कुछ कर रखा होगा, कुछ ही चीजें हैं जो करी होती हैं, या हाइड्रोकार्बन वाला ही लेसन है, तो बच्चों को लगता है कि हमें 11th नहीं आती इसलिए 12th समझ में नहीं आएगी। 11th अगर आती हो तो 12th को करने में मजा आ जाता है, लेकिन अगर 11th ना आती हो तो वहम रह जाता है जिसकी वजह से हम 12th भी नहीं कर पाते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है, मैंने पहले भी बोला था, है ना। तो देखिए भाई कैसे जुड़ता है, ये बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है BH3। क्यों होता है इलेक्ट्रोफाइल, कोई बताएगा? बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होता है, है ना, जैसे एल्युमिनियम के पास होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट लेक्चर में ही लिख के दिखाई थी, AlCl3 जो है वो डाइमर बनाता है, उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, सेम टू सेम बोरोन के पास भी, बोरोन फैमिली में। उसके पास 3p था, इसके पास 2p होता है, 2p एक ऑर्बिटल, 2p XYZ में से कोई एक ऑर्बिटल खाली होता है, तीन बॉन्ड बना लेता है फिर भी एक ऑर्बिटल खाली रह जाता है। कोई भी एटम अपने सारे ऑर्बिटल भरना चाहेगा तो इसके पास एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन भर भर के होते हैं, ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, पता है सबको? ये देखिए जरा, आर यहां पर लगा है कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड मैंने लगा दिया, एच लगा हुआ है, पहले एच लगाएंगे फिर सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर CH2 लगा दिया। तो देखिए डबल बॉन्ड कैसे होगा, डबल बॉन्ड ऐसे होगा ना, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा। यस क्लियर है सबको? यस सर।
तो इनको आप ये ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, आप एक डॉट लाइन से, दो डॉट लाइन से, कितनी भी लाइनों से इनको आपस में जोड़ के दिखा सकते हैं कि ये जुड़े हैं। दूर इसलिए दिखाते हैं ताकि खिचपिच ना मच जाए, लेकिन एक्चुअल में जुड़े हुए होते हैं, इनके सिर आपस में भिड़े हुए होते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है। तो देखो बोरोन के पास में, अब देखो बोरोन भाई साहब आएंगे, BH3 है ना, BH3, तो इसके पास में एक ऑर्बिटल है खाली, तो ये खाली ऑर्बिटल और इधर से ये घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये क्यों ना इनके साथ शेयर कर ले, है ना, और ये अगर शेयर हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर ले लेता है। इसने इलेक्ट्रॉन इधर लिया, मतलब ये क्या करेगा एक्चुअल में, ये क्या करता है, ये तो देखो ऑर्बिटल डायग्राम हो गया है ना। अब असलियत में आपको बताता हूँ ये कैसे, क्योंकि ऑर्बिटल डायग्राम और रियल वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। CH2 देखना, बोरोन आया, बी एच टू यहां लगा रहा हूँ, एच यहां लगा रहा हूँ, BH3 ही बनेगा क्योंकि मुझे इसको जोड़ना है। तो ये डबल बॉन्ड जो यहां था, ये यहां आ जाता है। यस, क्लियर है सबको? तो इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यही रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा ना, ताकि डबल बॉन्ड शेयर होगा। तो क्या होने वाला है, इस कार्बन के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन क्या करता है, और बोरोन पे बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो बोरोन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, इधर से बोरोन का नेगेटिव भी चला जाएगा। समझ में आ गया सबको? यानी दो बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं, एक डबल बॉन्ड लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसे शिफ्ट हो रहा है, सीधी सी बात है। तो ये है एक्चुअल मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैं अब इसको नीचे दिखा रहा हूं, RCH यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का ये बोरोन जुड़ा यहां, और BH2 यहां रह गया, और ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ गया यहां। हाँ भाई, क्लियर है सबको? समझ में आया? ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर जुड़ गया, दोनों काम वापस चल गया। बोरोन फिर से क्या रह गया, ये फिर से तीन ही बॉन्ड बना रहा है। यस और नोट? अब ये फिर से किसी डबल बॉन्ड वाले दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, उसके साथ भी यही कहानी करेगा, जब तक इसके पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये ऐसे ही करता रहेगा। तो क्या कोई स्टूडेंट अपनी तरफ से नोटबुक में किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ सेम प्रोसेस कर सकता है? यहां पर नहीं दिखा रखा मैकेनिज्म में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं, याद रख लेना ये बात, मेरी समझ लेना। इसलिए आपको यही वाला मैकेनिज्म करना, उन्होंने थोड़ा सा आधा अधूरा शॉर्टकट मार रखा है। तो अपनी नोटबुक में कीजिए और फिर मेरे को बताइए अगर आपने कर लिया तो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी को। सर जो हाइड्रोजन परोक्साइड होगा तो सर उसमें जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर होगा, तो सर जो अरे बोरोन है। वो नहीं बेटा, कृष्णा बेटा वो नहीं पूछ रहा मैं, वो तो बाद का स्टेप है। मुझे ये BH2 के पास दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन दो और मॉलिक्यूल के साथ लगेंगे जिनमें डबल बॉन्ड है। नहीं समझे? चलो मैं ही करवाता हूँ यार, सुनिए जरा, देखिए। अब ये मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल सेम टू सेम मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ऊपर ये मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। आप देखना, एक और ऐसा मॉलिक्यूल आएगा, कार्बन CH यहाँ डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ में फिर से मेरा एक और BH2, देखो अब यहां पर मैं BH2 फिर से बना रहा हूँ, BH2। इस BH2 के पास क्या था, ये पूरा बॉन्ड था ना, यस। तो मैं इस बॉन्ड को नीचे बना सकता हूँ बेटा, ये लो, यहां CH2 लगा सकता हूँ क्योंकि ये CH2 बन गया, और ये R। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये वाला नो सर, मॉलिक्यूल यही वाला है, क्लियर है? यस यस सर, यस सर, ठीक है। अब क्या होगा, अब वही प्रोसेस फिर से होगा, क्योंकि इसके पास जब तक हाइड्रोजन रहेगा, तो मैं इस BH2 का एक हाइड्रोजन, अब देखो यहां से मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है, और मैं एक हाइड्रोजन इस तरफ दिखा रहा हूं, दिखा सकता हूँ। टोटल तीन बॉन्ड ही है BH3 वाले, इसके तीन बॉन्ड बना रहा है ना,
एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, और एक कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये चार बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसको तो एक ऑर्बिटल अब भी इसका खाली है, खाली है तो डबल बॉन्ड फिर से अटैक करेगा। ये बॉन्ड आएगा ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, है ना, क्लियर है? यस सर। तो अब नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो भाई नेक्स्ट मैं इसको ऐसे जोड़ सकता हूँ, आर सी एच सिंगल बॉन्ड हो गया, सी एच टू हो गया, ये जुड़ा बोरोन से, इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन जो बोरोन के साथ था, बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी बच गया, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी का सारा मॉलिक्यूल जो नीचे लगा हुआ मैंने सेम टू सेम लगा दिया। यस क्लियर है सबको? यस सर। तो अब इसके पास एक और हाइड्रोजन अभी, तो ये एक और हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ना, तो एक और डबल बॉन्ड वाला सेम मॉलिक्यूल आएगा, सेम प्रोसेस फिर से होगी, तो तीसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या आप लोग प्रोसेस कर सकते हो? कर सकते हो ना, करके देखो नोटबुक पे, और मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। देखिए मैं आपके साथ सेम प्रोसेस करता हूँ, तो आपको भी मेरे साथ वो डिट्टो प्रोसेस करनी चाहिए, ठीक है। अपने आप आपकी प्रैक्टिस उसी टाइम हो जाती, याद भी हो जाता है, तो दो बार कर लिया तो उसी चीज को तीन बार कर रहे हैं, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ अब यहाँ पे, अब मैं ना इस तरफ दिखाऊंगा उस मॉलिक्यूल को, ठीक है, इस वाले को इस तरफ दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों ऑक्यूपाई हो चुके हैं, या फिर मैं क्या करूं इन दोनों को नीचे दिखा दूं बोरोन के साथ, ऐसा दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो देखो मैं तीसरा अपना रिएक्टेंट लेके आ रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये सेम रिएक्टेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब रिएक्टेंट लग गया सेम, ठीक है, अब क्या होगा, सी एच टू आ गया, तो ये तो रिएक्टेंट था मेरा, मुझे इस रिएक्टेंट के साथ ये पूरा मॉलिक्यूल लगाना जिसमें H को एक साइड दिखाना, तो मेरे को तो बोरोन चाहिए ना, बोरोन होना चाहिए यहाँ, ठीक है, और H होना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब इस बोरोन के साथ इस तरफ ये क्या है, R, देखो ये क्या है, आर सी एच टू और सी एच टू, है ना, तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ, यानी ये लग गया सी एच टू, फिर से सी एच टू, और फिर से आर लग गया, ये वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल, समझ लो आप। हाँ बेटा यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. नीचे वाला मॉलिक्यूल भी सेम टू सेम, ये वाला भी मैं ऐसे लगा सकता हूँ, तो ये भी बोरोन के साथ मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया सी एच टू, फिर से सी एच टू, और फिर से आर, ठीक है, ये तीन बॉन्ड हो गए, पूरे हो गए। अब क्या करूं, अब मुझे कुछ नहीं करना, बस यही वही इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड वाले घुमाने, तो ये डबल बॉन्ड है, बोरोन अब एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, और इधर से हाइड्रोजन जो बोरोन से बॉन्ड खींच लेगा, और इस साथ बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अब आपके सामने होगा, बोरोन इसके साथ जो लगा हुआ है वो वाला सेम टू सेम शो कर देते हैं, ठीक है, शोन एज सिमिलर सी एच टू आर, ठीक है, और यहां पर एक हाइड्रोजन था और ऊपर बोरोन और कार्बन के बीच में ये बन गया बॉन्ड सी एच टू के साथ, ठीक है, फिर इधर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा सी एच के साथ, इधर रह गया आर, और इस सी एच के साथ एक एच लग गया था जो बोरोन के साथ लगा हुआ, ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूट गया और इसके साथ लग गया। यस क्लियर है? यस सर। हाँ बेटा सबको समझ में आ गया ना, तो अगर अब मैं अब इसको फाइनलाइज करूं तो मैं ऐसा लिख दूं कि बोरोन के साथ में तीन चीजें लगी हुई हैं, तीन थ्री, क्या लगा हुआ है तीन, तो देखो भाई सी एच टू, इसकी वैलेंसी खाली है ना, सी एच टू, सी एच टू और आर, और ऐसे ऐसे तीन लगे हुए हैं बोरोन के साथ, तीन दिखा सकता हूँ, ये भी वही है, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखा दिया, मतलब तीनों हाइड्रोजन इसने क्या किया, डबल बॉन्ड को डोनेट कर दिया। अब मुझे कोई बताएगा ये मार्कोनी फेडिशन है, एंटी मार्कोनी फेड, बोरोन किसके पास जाता है, बोरोन जा रहा है उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, मार्कोनिकोफ क्या कहता है, मार्कोनिकोफ गरीबों का सहारा है ना, तो वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ जुड़ता होता है ग्रुप, तो मार्कोनी फेडिशन, ये तो ज्यादा वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, सभी में देख लो जिसके पास ज्यादा थे उसी के पास बोरोन लगाया है ना, हाइड्रोजन दूसरे वाले के पास गया, तो इसका मतलब ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो कर रहा है। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। मार्कोनिकोफ रूल याद है, उसका मैकेनिज्म भी किया था हमने। यस सर। तो ये एंटी वाले को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो इस तरह से अब हम ये बता सकते हैं, यहाँ से आपका मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, दिस वन फ्रॉम दिस, ठीक है, यहाँ मैं स्टार्ट लिख देता हूँ, नीचे स्टार्ट हो रहा है, ये आपको ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखा है कि ऐसा है, तो बोरोन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, है ना, तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
यहाँ जुड़ा एच बी आर और बी एच थ्री, फिर ये ऐसे जुड़ गया, फिर से एक और डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल आया इसी के साथ, फिर से ये ऐसा बन गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये साइन किसका लगा हुआ भाई, ये हरा निशान गलत, कौन सा ये वाला गलत लग गया हरा निशान। ठीक है, फिर वो आपसे गलती से लग गया, तो स्टाइलस हिल गया था। हाँ ठीक है, सोच रहा हूँ कुछ कार्बन वार्बन कम ज्यादा ना हो, देख लेना बेटा कार्बन वार्बन, अगर कोई कार्बन कम रह गया हो, हाइड्रोजन कम रह गई हो, आई थिंक कई बार वो नहीं, नहीं। सर, कर ठीक है, तो ये देखो ये लग गया, अब इसके बाद क्या, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, अब इसके बाद क्या, ये तीन बनने के बाद नॉर्मल है। ठीक है बेटा, ओके काउंट के लिए मैंने तीन बनने के बाद, ओके थैंक यू बेटा, तीन बनने के बाद ये इन्होंने तो दो तक ही दिखाया ना, मतलब एक ही जोड़ा है, फिर ये दो हाइड्रोजन ऐसे कैसे रह गए, ये सही नहीं है, इसलिए मैकेनिज्म आधा अधूरा है ना। ये तीन जुड़ने के बाद फिर H2O2 के साथ करवाएंगे, तो ऐसे से टोटल तीन मॉलिक्यूल बनेंगे और बोरोन जो है वहां से निकल जाएगा, वो फिर से BH3 बन जाएगा, H उसके साथ लग जाएगा, है ना, कुछ ऐसा होता है। क्लियर है भाई सबको? तो ये वाली रिएक्शन अल्कोहल वाली भी याद रखने की बाद में, H2O2 और OH के साथ ये ऐसा होता है। हाँ भाई क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। आगे देखिए, अब इसकी कुछ कंडीशनें पढ़ते हैं हम, क्या है, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ द वाटर टेक प्लेस बाय एंटी मार्कोनिफ एडिशन टू वाटर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इज फॉर्म, एंटी मार्कोनिफ के थ्रू बनता है इसमें एडिशन ऑफ वाटर। हां बेटा सर, ये रिएक्शन जो है ये मतलब रट ले, हां रिएक्शन रटनी पड़ेगी और रट और साथ में मैकेनिज्म भी रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने शुरू में बोला था एवरीथिंग यू शुड हैव टू क्रैम, लिख लिख के देखो, याद करो फिर लिख के देखो, है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ये वाली लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, अभी तो आपको मजाक लग रहा होगा सारा का सारा, नो कार्बन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट टेक प्लेस, और ना ही अब जब कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्यों नहीं बन रहा कार्बोकेटाइन, देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया था क्या, नहीं आया, यहां से जब ये डबल बॉन्ड इधर खिसक रहा है उसी समय पर हाइड्रोजन इधर से अपना सिंगल बॉन्ड कार्बन को दे रहा है, तो कार्बोकेटाइन ये बनना चाहिए था, ये बन ही नहीं। क्लियर है बेटा सबको? हाँ भाई भगत जनो, यस सर, ठीक है, को आवाज वगैरह लगाते रहा करो यार, है ना, जिससे मुझे भी भरोसा रहे कि ठीक है सारे के सारे जाग रहे हैं, है ना जी ऐसा लगता है कुछ सो तो नहीं है, ठीक है, सर्दियों में वैसे भी नहीं, चलो बढ़िया है बेटा, है ना, वरना नींद ज्यादा आती है। तो देखो भाई आज के मैकेनिज्म से मैं इस स्टेज पर आप लोगों को मान रहा हूं कि अब आपको छोटे छोटे मैकेनिज्म करने आ गए हैं, पीछे वाला आप अच्छे से अगर कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा आज से शुरू कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, जहां से करवाया मैंने वहीं से याद करना शुरू कर दो, जरूरी नहीं कि पहले आप पहले लेक्चर को पढ़ोगे, इसी लेक्चर से जो आज करवा रहा हूँ इसी को लिखना शुरू कर दो, इसमें कोई मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है, कार्बन की वैलेंसी चार पूरी करनी है, सारे हाइड्रोजन लगाने हैं, अगर डबल बॉन्ड बन गया तो आप उसको काउंट करो, बस इतनी सी बातें हैं, सिंपल सिंपल चीजें हैं, याद करना भी बहुत आसान है, रिएक्शन में ये हो रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, बस ये चीज है ना, तो कर सकते हो आसानी से, तो शुरू कर दीजिए। आगे नेक्स्ट देखिए भाई, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी कि फ्री रेडिकल के थ्रू एडिशन होगा, एडिशन मतलब भाई मैंने बोला था डबल बॉन्ड होगा तभी एडिशन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड में तो हाइड्रोजन हटेगी तभी कोई दूसरा जुड़ेगा, अब चार से वैलेंसी पांच तो नहीं कर सकते ना कार्बन की, यस क्लियर है सबको? यस सर। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो उसकी दो वैलेंसियां कम हो जाएंगी, दो चीजें जुड़ जाएंगी, है ना, एडिशन होने वाला है, फ्री रेडिकल मतलब एक एडिशन होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनते हैं, डबल बॉन्ड एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है ना, यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, अभी डबल बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ये कह रहा है फ्री रेडिकल बनेगा, मतलब दोनों ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, इसने अपने पास रख लिया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाना बंद कर दिया, है ना, यू समझ लो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब है कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लेते हैं, दो भाई हैं, ठीक है, दोनों पास रह रहे हैं लेकिन दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन बांट लिए और वो एक दूसरे से मुंह सुझा के दूर दूर बैठे हैं, मतलब बैठे पास पास हैं लेकिन एक दूसरे से मुंह सुझा लिया, है ना, मोटा कर लिया, मैं नहीं बोलूंगा वैसा। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, उसके अंदर एक भाई ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे भाई को दे दिया कि तू ले जा यार, वो पास ही बैठा है लेकिन वो कहता नहीं तू रख, कोई बात, तू मेरा छोटा भाई तू रख, है ना, भला।
क्योंकि उसे पता है कि मेरे को दूसरी जगह से मिल जाएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को पता मुझे दूसरी जगह से मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। यहाँ से ना दो तरह की इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होती है ना। अगर मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये पूरा का पूरा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ये कार्बन बनेगा नेगेटिव, ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। यानी कि हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब बॉन्ड टूट रहा है, हेट्रोलिटिकली टूट रहा है, दोनों ने एक ने बनाया नेगेटिव एक ने बनाया पॉजिटिव, मतलब एक ले गया दोनों के इलेक्ट्रॉन, बराबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। हेट्रो मतलब डिफरेंट, सेम नहीं है। एक होता होमोलिटिक, इसमें फुल हेडेड एरो होता है, एरो का हेड पूरा का पूरा है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक तरफ जा रहे हैं, ये तो इसी का था तो दूसरा। बट हम कहते हैं ये बॉन्ड पूरा शेयर्ड था दोनों के बीच में, तो दोनों में से एक ने दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अपना तो छीनेगा दूसरे का भी छीन लेगा, तो इसलिए दो काउंट होते हैं वो। हालांकि एक्चुअल में तो एक ही जा रहा है क्योंकि ये तो इसी का था, बट क्योंकि शेयरिंग थी तो शेयरिंग में ना इसके दोनों ना उसके दोनों, अब एक ने छीना झपटी करी तो दोनों इलेक्ट्रॉन बांट लिए, इसलिए उसको हेट्रोलिटिक क्लीवेज नेगेटिव चार्ज मानेंगे, तो वो दोनों लेगा। होमोलिटिक में देखो क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज में ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आधा इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आधा इधर, दोनों ने बराबर बांट लिए, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल, किसी पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल बनाएंगे। यस क्लियर है सबको? यस सर। इसको बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, होमो मतलब सेम, लाइटिक मतलब टूटना, सेम दोनों बराबर बांटेंगे, ठीक है, दोनों भाई एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन बांट गए और अलग हो गए, ठीक है भाई, है ना, तो इसमें ठीक ठाक काम होता है, ऐसा ही है, तो वैसा ही कुछ है, ठीक है। देखिए दुनिया कैसे चलती है, मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, इससे ना आपको थोड़ा यहाँ का भी थोड़ा समझ आएगा। दो भाई होते हैं, दो भाई, ठीक है सर, ओके। दोनों भाई जो है, अब सोचिए दो भाई ईमानदार भाई हैं, तो दोनों के दोनों, एक की मैरिज हुई हो चुकी होती है, एक अनमैरिड होता है, तो जो मैरिड ब्रदर है दोनों अपनी फसल बेचने जाते हैं, फसल बेचने, ठीक है, दोनों ने जमीनें बांट रखी होती हैं, तो फसल बेचने जाते हैं, दोनों के गेहूं मान लीजिए बेचने जा रहे हैं, दोनों बराबर के गेहूं बेचेंगे, है ना। तो जब एक भाई, बड़ा भाई ये कहता है कि भाई मैं खाना खा के आ रहा हूं, तू ना मेरी फसल का ध्यान रखियो, मतलब फसल का ध्यान रखियो मेरे वाली भी और अपने वाली भी, इतने में खाना खा जाता हूँ, मंडी गए होते हैं वो फसल बेचने के लिए। तो छोटा भाई विचार करता है मन में कि यार मेरा बड़ा भाई है और ये इसके फैमिली है इसकी, इसके खर्चे ज्यादा होते हैं, है ना, परिवार है, तो क्यों ना मैं अपना कुछ हिस्सा मेरे भाई की फसल में मिला दूं। तो वो क्या करता है, एक बर्तन लेता है और अपने गेहूं अपने बड़े भाई की फसल में मिलाने लग जाता है कि कुछ हिस्सा मैं इसमें मिला देता हूँ, इसको थोड़ा पैसा ज्यादा बन जाएगा, मुझे कम बनेगा, मेरा चल जाएगा, मैं अकेला आदमी, ठीक है। उसके बाद बड़ा भाई आ जाता है, तो बड़ा भाई आ जाता है, फिर उसके बाद वो छोटा वाला कहता है कि भैया अब मैं खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है, और आप फसल का ध्यान रखिए। तो छोटा खाना खाने जाता है, तो बड़ा सोचता है दिमाग से, देखिए क्या सोचता है पता है, बड़ा सोचता है कि यार ये छोटा है, अभी मैरिज नहीं हुई, मेरे खर्चे तो सब पूरे हो गए हैं, मेरे बच्चे आ चुके हैं, तो मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं खर्चा तो मैं चला ही रहा हूँ, इसको मैरिज करनी है, आगे खर्चा करना है। तो इसलिए बड़े वाला भाई छोटे भाई के मतलब अनाज में ज्यादा अनाज डालने लग जाता है। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट जीरो, यस बराबर, लेकिन भावनाएं क्या थी पता है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वेव्स। दोनों को अच्छा लगेगा, उसे लगेगा मैंने मेरे भाई को दिया, दूसरे को लगेगा मैंने मेरे भाई को दिया, बोलते हैं भावनाएं अच्छी होना। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, रिजल्ट तो उतना ही रहा लेकिन भावनाएं अच्छी होगी, दैट इज कॉल्ड एक दूसरे का, जिसको हम बोलते हैं ना एक दूसरे से स्नेह करना, है ना, ट्रू लव जिसको बोला जाता है। इसका रिवर्स भी हो सकता था, बड़ा सोचता कि इसकी कनक में मेरे में मिला लेता हूँ, फिर छोटा सोचता इसके वाला अनाज में मेरे में मिला लेता हूँ, रिजल्ट तो फिर भी वही रहता, लेकिन भावनाएं दुश्मनी की हो जाती। तो याद रखना बेटा, यहाँ जिंदा कोई नहीं बचेगा, तो लोग जो दुश्मनी करते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, वो नहीं करनी चाहिए, सबको मरना है ना, जो देना है ऊपर वाला देगा सबको, किसी न किसी भगवान पर विश्वास है, ठीक है। तो ईर्ष्या मत कीजिए, कोई दूसरा आपसे ईर्ष्या कर रहा है उसे थोड़ा दूर हट जाइए, हाथ जोड़ के साइड में हो जाओ, कोई बात नहीं भाई, तू जो कर रहा है तेरा करना है ना, लाइक दैट। ये एटम्स हमें ईर्ष्या सिखाते हैं, ये कभी पूरा बराबर बांट लेते हैं, कभी भाईचारा दिखाते हैं, कभी दुश्मनी दिखाते हैं, मार्कोनिफ रूल, एंटी मार्कोनिफ रूल, है ना, ये सब, और इन्हीं से हम बने हुए हैं, याद रखना इन्हीं से हम बने हैं, इसलिए हमारी भावनाएं भी ऐसी है,
बिल्कुल बेटा मिलजुल कर रहना चाहिए है ना, जितना हो सके ठीक है, जितना निभे अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नहीं निभाते तो फिर आप उनसे दूर हो। तो भाई ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम बात कर रहे हैं परऑक्साइड और खराश इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिफ। अभी हमने जिक्र तो किया था एंटी मार्कोनिफ का है ना, एंटी टू मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव ऐसा ही है, पूरी स्पेलिंग यही है क्या, मार्कोवनिकोव है, कोवनिकोव गलत लिखा, कोवनिकोव ठीक है, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोलते हैं भाई इसको, परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। हमने मार्कोनिफ रूल किया, मार्कोनिफ क्या है, गरीबों का सहारा है, एचबीआर जब अटैक करता है तो उसमें ब्रोमीन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास में ज्यादा नहीं कम हाइड्रोजन है। yes. इसमें उल्टा होगा, अब उल्टा क्यों होगा, इसका मैकेनिज्म है, जैसे हमने मार्कोनिकोव रूल का मैकेनिज्म किया था वैसे एंटी मार्कोनिकोव का भी रूल है ना, कोवनिकोव, कोव यहाँ पे कोवनिकोव लिखा हुआ है बेटा, स्पेलिंग माधव बेटा, आई डोंट नो एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या, बंदे का नाम है यार छोड़ो ठीक है, मुझे गड़बड़ होती है, मैं भी दो तीन बुक से पढ़ता ना, सब में अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई थी, मेरे को आज तक इसकी सही स्पेलिंग नहीं पता लगी, क्योंकि सारे अपनी अपने हिसाब से लिख देते हैं, तो जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये बंदा तो जा चुका है, बेचारे के नाम की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम, ऊपर से गुस्सा कर रहा हो। चलो भी कोफ है या कोव है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, इसी बुक में कोफ भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एच बी आर मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रोमीन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, एंटी मार्कोनिकोव में ब्रोमीन उस कार्बन के साथ जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, बस यही होता है एंटी मार्कोनिकोव ठीक है बेटा, पर ऑक्साइड डालना पड़ेगा एच बी आर के साथ, यहाँ सिर्फ एच बी आर है ठीक है भाई, क्लियर है सबको। yes. तो अब हम परऑक्साइड के बारे में सीखेंगे, व्हाट इज परऑक्साइड, तो देखो बेंजोइल परऑक्साइड के बारे में इन्होंने बता रखा है कि परऑक्साइड होता क्या है, तो परऑक्साइड का मतलब समझ लीजिए, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, और वो दोनों ऑक्सीजन किसी बड़े मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे हो, हम उसको परऑक्साइड बोलेंगे, यानी हमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड ढूंढना है कहीं पर भी, अगर वो मिल गया तो हम वैसा ढूंढ लेंगे, मेरी बुक में ऊपर वाला लिखा हुआ है ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम मानते हैं आपकी बुक में वो लिखा है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट बुक में डिफरेंट स्पेलिंग्स पढ़ी है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में देख लेना यार कौन सी स्पेलिंग है, अगर आपको स्पेलिंग में इंटरेस्ट है तो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि हमें स्पेलिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए ना, साइंस वाले स्पेलिंग गलतियां करते हैं कोई परवाह नहीं है, लड़कियों को हो सकता है वो चॉइस है आपकी, कोई बात नहीं, एक चीज बताता हूँ, सिर्फ इतना मत सोचो कि लड़कियों को हो सकता है, आपको पता है अगर लैंग्वेज किसी ने डेवलप की थी तो लड़कियों ने, हमारी माताओं ने बहनों ने लैंग्वेज डेवलप की है, किसी भी लड़की की लैंग्वेज जो होती है ना वो लड़कों से बहुत सुपर फास्ट, बहुत जल्दी सीखती हैं लड़कियां लैंग्वेज, स्पीकिंग किसी भी लड़के से फुल सुपर फास्ट होती है लड़कियों की, और लड़कियों ने ही लैंग्वेज डेवलप की है, और कमाल की बात बताऊं, हम लोग गालियां बकते हैं, हमारी सेंस मर चुकी है असलियत में, हम हमेशा माँ बहन की गालियां देते हैं लोगों को है ना, कभी आपने याद है, आपको कभी ध्यान देना कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर गालियों का डेवलपमेंट नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में गालियां नहीं है, गालियां आदमियों ने बनाई है, मेल्स ने, लैंग्वेज, यस लैंग्वेज फीमेल ने बनाई है, उन्होंने डेवलप की है, सोचना जरा, तो कितनी सर, आप जिस ग्रुप में होंगे ना उसकी लड़कियां हद से ज्यादा शरीफ होंगी, ऐसा नहीं है बेटा, आजकल सभी करप्टेड हो चुके हैं ठीक है, हमारे संस्कार मरते जा रहे हैं, इसका प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम ये नहीं कि मैं जिस ग्रुप में था तो मेरे ग्रुप में लड़कियां शरीफ थी तो मतलब मैं जिस ग्रुप में रहता हूँ सर उसमें मेरे को पता है सिर्फ एक ही होगी, सिर्फ परवाह समझ गया, चलो छोड़ो ठीक है, हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, हर तरह के लोग होते हैं ठीक है, हर युग में होते हैं, देखो अगर माता लड़की देवी है, माँ है, तो सूर्पनखा भी वही है, ताड़का भी वही है ना, तो डिपेंड ऑन अस कि हम सूर्पनखा से फेस टू फेस हो रहे हैं, ताड़का से हो रहे हैं, या किसी देवी से हो रहे हैं, टेक्निकली आपने ये क्लियर कर दिया कि लड़के राक्षस भी लड़के अच्छे होते हैं तो लड़कियां भी अच्छी होती हैं, लड़के बुरे होते हैं तो लड़कियां बुरी होती हैं, इक्वालिटी का जमाना भाई, सीधी बात, मैं किसी का फेवर देखा जाए ना तो लड़कों का, चलो छोड़ो हम पहले पढ़ लेते हैं बाद में बात करेंगे ठीक है।
तो देखिए भाई, यहाँ पर ऑक्साइड मैंने बोला ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड ढूंढना, तो हम कौन सा पर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं? H2O2 पर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं, ROOR यूज कर सकते हैं, और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। अब ROOR H2O2 के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन होती है इधर, दूसरी हाइड्रोजन होती है इधर, H2O2 का स्ट्रक्चर। यस, पता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ ऐसा होता है, खुली हुई किताब के जैसा, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये खुली हुई बुक के जैसा नजर आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसके बाद ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, बिल्कुल, एक हाइड्रोजन और एक खुद के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए ये परोक्साइड, हाइड्रोजन परोक्साइड का नाम सब जानते हैं। उसके बाद में ये देख लो, ये क्या है, अरे क्या गायब हो गया भाई, पता नहीं क्या, एरो गायब हो गया ना। अब आगे देखिए, नेक्स्ट R COOR, तो इसका R है, COOR नहीं, सॉरी, R है यानी कार्बन की चेन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है यानी ईथर, क्या होता है, ROR होता है, लेकिन ईथर में भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा घुसा दो, बन गया परोक्साइड। क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट है बेंजोइल परोक्साइड, जो कि जनरली आपको बुक में ऐसा मिलेगा, ठीक है, ये बेंजोइल परोक्साइड को ज्यादा यूज करते हैं, हालांकि हाइड्रोजन परोक्साइड या ROR को भी यूज कर सकते हैं। तो बेंजोइल परोक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, ध्यान से, स्ट्रक्चर तो आपके सामने बना हुआ, बट मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेंजीन होती है C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने उड़ा दिया, तो बेंजीन एक हाइड्रोजन उड़ेगा तो एक वैलेंसी खाली होगी, अब उस वैलेंसी को हमने जोड़ दिया कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ और OH से, OH से, याद रखना ये क्या है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, खुद बना के देखना, याद हो जाएगा, वरना याद नहीं होता बच्चों को परोक्साइड का स्ट्रक्चर, इस वाले बेंजोइल परोक्साइड का, ये बन गया COOH, ठीक है भाई, बेंजोइक एसिड। क्लियर है सबको? यस यस सर। ठीक है, तो ये बन गया। अब अगर इसमें से H, ये H उड़ा दूं मैं, और ऐसा ही एक और मोलिक्यूल अगर हो और उसका भी H उड़ा दूं और उन दोनों को आपस में जोड़ दूं, तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन जुड़ेगा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड उल्टे जुड़ेंगे और यहाँ पर H5C6। यस, क्लियर है बेटा? क्या, सॉरी सर, माइक ऑन था, मम्मी बैकग्राउंड में थी, कोई बात नहीं, हमें आवाज नहीं आई वैसे कुछ भी, ठीक है, हमें नहीं समझ में आया कि yes, आप क्या बोल रहे थे, नो वरी, नहीं सर, थैंक यू सर, आपको समझ नहीं आया, किसी को भी ना आया तो बहुत अच्छा होगा, किसी को नहीं आया चिंता मत करो, बैकग्राउंड में डांट रही हूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, मम्मी है, थप्पड़ भी मार सकती है, इसमें क्या दिक्कत है, मेरे मम्मी मुझे अभी भी मार देते हैं सर, क्लास खत्म होने का सबसे पहले फिर वो आपको कॉल करते हैं। सही है, कोई बात नहीं, मैं उनको बोल दूंगा कि इसको खींच के लेना, 3-4 थप्पड़ अच्छे से लगाना मेरी तरफ से भी, बाकी जो आपको लगाना वो लगाओ। सही है, इतना बुरा हूँ? कमाल है यार, अब मैं आपसे दूर हूँ तो मेरा कोटा नहीं पूरा करेंगे क्या वो लोग, टीचर का हक बनता है कि नहीं थोड़ा बहुत? सर बनता तो है, ठीक है, तो 3-4 थप्पड़ मेरी तरफ से, बाकी जो उनको ऐड करना वो तो है ही है, तो कम से कम कुछ तो होना चाहिए, ठीक है सर। मम्मी आसपास के रेडियस में नहीं, पड़ गए होते, चलो बढ़िया बात। चलिए अब आगे करते हैं, रुको और जरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो भाई परोक्साइड का आपको स्ट्रक्चर पता लग गया, दिस वन इज परोक्साइड, इनमें से ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, ठीक है, वो जो आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो परोक्साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं ये परोक्साइड क्या करता है, ये परोक्साइड इस ब्रोमीन को दूसरी जगह पर जोड़ देता है, कैसे जोड़ते देता है तो वो भी पढ़ेंगे। तो रिएक्शन ऑफ एल्गिन विद HBr प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड टेक प्लेस थ्रू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म का एग्जांपल है, एग्जांपल भी यही है जो ऊपर हमने पढ़ा। तो फ्री रेडिकल HBr फ्री रेडिकल से जुड़ेगा, ठीक है, मार्कोनिकोफ में नहीं जुड़ेगा, वो फ्री रेडिकल का नहीं है, ये है फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है फ्री रेडिकल, ठीक है भाई। Yes, यहाँ पर बनेगा फ्री रेडिकल और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चलता है, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर, यानी कि एच पॉजिटिव आयन अटैक करता है, इसका मैकेनिज्म हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म होता कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी मार्कोनी फॉर मार्कोनी रूल आपके बोर्ड एग्जाम में या क्लास जो आपके स्कूल एग्जाम होने वाले हैं उसमें पक्का टीचर एंटी मार्कोनिफ या मार्कोनिफ का एग्जाम्पल तो देगा ही देगा, 100% आंखें मीच के देगा, एक क्वेश्चन पक्का आएगा,
ठीक है, तो मैकेनिज्म याद कर लो, मार्कोनी फॉर एंटी मार्कोनी रूल याद कर लो, एक क्वेश्चन पक्का। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे याद नहीं होने वाला, समझ आया एक अलग बात है, याद होना एक अलग चीज है ना। तो देखिए भाई, परऑक्साइड था आर आर ओ ओ आर, कोई भी ले सकते हो आप, बेंजोइल परऑक्साइड भी ले सकते हो, उनके बीच में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है उसको तोड़ दो, तोड़ दिया ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो क्या बन गया, आर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। कैसे टूटता है पता है, बराबर टूटेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा हाफ एडेड एरो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा हाफ एडेड एरो। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। तो ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल, कोई चार्ज नहीं है लेकिन एक वैलेंसी खाली है ऑक्सीजन की, इसलिए इसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। अब ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल इस तरह से HBr को भी फ्री रेडिकल के थ्रू ही तोड़ता है, मतलब इन दोनों के भी आपस में आधे आधे इलेक्ट्रॉन बांट लेता है। तो H को लेके जाता है ये, H को, Br को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल इज ए गुड लिविंग ग्रुप। याद रखना, अल्कोहल बहुत आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है, इसलिए इसको गुड लिविंग ग्रुप बोलते हैं, गुड लिविंग ग्रुप। यस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ये एक गुड लिविंग ग्रुप है, पहली बात, ठीक है। अब बात करते हैं आगे जरा, तो इस तरह से अल्कोहल अलग हुआ, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल आ गया, तो अब हमारा मैकेनिज्म लाइन पर आ गया है, अब हम मैकेनिज्म को शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ये था हमारा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, कि कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, अगर हमने परऑक्साइड और HBr डाल रखा है तो वहां ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अटैक करेगा। कहां अटैक करना चाहिए ब्रोमीन का फ्री रेडिकल, अगर इस कार्बन पर, देखो इसमें भी क्या होगा, ये फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो यहां पर हाफ एडेड एरो लगा रहा हूं मैं, ठीक है, और यहां पर भी हाफ एडेड एरो लगेगा, ठीक है। तो ये या तो यहां जुड़ सकता है इस कार्बन के साथ, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, या फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले, है ना, क्लियर है? तो या तो ये यहां जुड़ गया, ये मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए और ये फ्री रेडिकल दिखा दिया, या फिर ये कहां जुड़ गया, यहां जुड़ गया, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल दिखा दिया, तो दोनों में से एक जगह पर ये जुड़ सकता है। तो अगर मैं इसे यहां जोड़ता हूं तो ये क्या बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्लियर है बेटा? 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों के दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इन नेचर होते हैं। तो एक्सेप्टिंग इन नेचर, दोनों तरफ कार्बन की चेन बैठी है, इसके बीच वाले कार्बन को दोनों तरफ से कार्बन की चेन घेर के बैठी है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है। ये बात याद आ गई होगी सबको, अब तो होगी होगी कि नहीं हुई अभी तक? यस सर। कार्बन पानी से डरता है, कार्बन की चेन पानी से डरती है, और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होती है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, और हमने ये जीओसी में पढ़ा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमने उसके क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट लेक्चर में, सैटरडे को, है ना? Yes. तो उसमें भी हमने ये बात करी थी, तो बार बार एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही छोटी छोटी चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी, और फिर हम आगे बढ़ने में आसानी होती है। और ये 1 डिग्री बन रहा है भाई, तो ये 1 डिग्री वाला क्या है, ये लेस स्टेबल है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि इसको सिर्फ पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसको दोनों साइड से मिल रहे हैं, इधर से भी इधर से भी, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्योंकि ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, इसीलिए अब देखो एच जो, अब यहां क्या होता है, अब बार बार इस एच बी आर को तोड़ने के लिए फ्री रेडिकल की जरूरत नहीं है, एक ही बार जरूरत थी ब्रोमीन का, एक फ्री रेडिकल बन गया, बस यहां से हमारी रिएक्शन शुरू हो गई। अब ये जो मॉलिक्यूल आया जो मोर स्टेबल वाला है, इस मॉलिक्यूल मैंने यहां लिख लिया, तो ये नए HBr के साथ इसको तुड़वा देगा, इसको हेल्प करेगा कि तू अपना भाईचारा तोड़, दोनों भाई तुम मुंह सुझा लो, मैं तेरा पड़ोसी हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान, और ऐसे भाइयों में ना फूट डलती है, सोच लेना। तो ये एच अब ये लेके जाएगा, क्लियर है सबको? यस। और यहाँ Br तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, तो एक नया Br का फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, अब फिर से ऊपर वाली प्रोसेस शुरू कर देगा। यस, क्लियर है? ऊपर वाला फिर से मतलब फिर से ऊपर वाला स्टेप शुरू हो जाएगा, ये वाला फिर से नए वाले इसके साथ रिएक्शन करेगा, फिर से ये वाले रिएक्शन, फिर से वो वाला, क्लियर है भाई? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. इस तरह से ये फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, ठीक है, क्लियर है बेटा? तो मैं अब इस फ्री रेडिकल को यहाँ ऐसे हाफ एडेड एरो से इसके ऊपर अटैक करते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन जो है
वो ये वाला ब्रोमीन ये फ्री रेडिकल यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन को, ठीक है, जब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा तो यहाँ जुड़ गया। और इसके अलावा कोई और एरो, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो 2 डिग्री 1 डिग्री वाले जो एरो है मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये काम के नहीं हो, ये आपको कंफ्यूज कर सकते, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो हमने फ्री रेडिकल से क्या कर लिया, एंटी मार्कोनिकोफ रूल कर लिया, ठीक है। ये बुक में ना बहुत लंबा चौड़ा दिया होता है, कई बार बड़ा बड़ा लिख के दिया होता है, 12th की बुक में भी एंटी मार्कोनिकोफ रूल को, क्रैश रूल को, परऑक्साइड इफेक्ट को मैकेनिज्म के साथ में अच्छे से समझा रखा है। आपको भी इसे अच्छे से समझना है, याद करना है, बहुत आसान लगेगा 12th में, जब एक बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा, लेकिन वहां मैं इतना डिटेल में इसको नहीं करवाऊंगा, अगर मैं ही पढ़ाऊंगा तो, कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा तो शायद बिल्कुल ही ना पढ़ाए, लेकिन मैं कई बार बच्चों को मौका दे देता हूँ कि भाई थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, बट फिर भी मुझे ये यकीन होता है कि बच्चों को इतना तो पता है कि भाई एक एक इलेक्ट्रॉन बांट लेंगे वो, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब ये भी ना पता हो 12th में तो फिर बच्चों को दिक्कत ज्यादा आती है कि उन्हें पता ही नहीं फ्री रेडिकल क्या होता है, तो उन्हें जो भी बताया गया वो समझ से बाहर चला जाता है। क्लियर है, हमारे वाले बच्चों को तो पता है फ्री रेडिकल क्या होता है, कितने हैं जिनको नहीं पता फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई सबको पता फ्री रेडिकल का? यस सर। यस, चलो सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अब इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में कुछ इसके हाइलाइट्स पढ़ते हैं कि ये क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं। इट मे बी नोटेड दैट द परोक्साइड इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन एडिशन ऑफ HCl एंड HI, भाई इन दोनों में ना ये ऑब्जर्व नहीं होता, ये भी नोट कर लेना, ऐसा क्यों होता है, अब इसके पीछे भी रीजन है। HI और HCl नहीं दिखाएंगे आप, भले ही परोक्साइड डाल दो, सिर्फ HBr ही परोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, ओनली HBr, ओनली HBr ही परोक्साइड इफेक्ट दिखाता है, मैं पे लिख देता हूं है ना, थोड़ा याद रहेगी, ओनली HBr शो परोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ यही दिखाता है, या फिर यूं कहें कि एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी HBr ही दिखाता है सिर्फ, ओनली HBr, ठीक है, कभी भी दूसरा कोई नहीं शो करता। वैसा क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द HCl बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्गर HBr इज नॉट क्लीव्ड बाय द फ्री रेडिकल, वेयर एज HI बॉन्ड इज वीकर, आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ एडिनिन। देखो भी ये तो स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग होता है HBr से, तो इसलिए ये फ्री रेडिकल से टूटता ही नहीं है। HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है HBr से, तो इसलिए टूटता ही नहीं है, पहली बात। और HI बॉन्ड जो है काफी वीक होता है, इसलिए आयोडीन आयोडीन मिलकर, वो आयोडीन बजाय कि कार्बन की चेन के साथ जुड़े, वो I2 का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फॉर्म आयोडीन, आयोडीन का मतलब I2, यस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. I2 बना देता है instead of adding with double bond, double bond के साथ add ही नहीं होता, तो इस वजह से ऐसा होता है। Clear है सभी को? तो HI और HCl ऐसा नहीं दिखाते, HF की तो बात ही भूल जाओ, वो तो वैसे ही बड़ा strong होता है, तोड़ा फोड़ी करता रहता है, है ना? Clear है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. अब आता है oxidation. Yes, वो oxidation है जिसकी मैं बात कर रहा था कि बड़ी important होती है oxidation, reduction, oxidation, ये बड़ी important चीजें होती है, और ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में बड़ी काम आएगी। पता है आज की ताजा खबर सुनाता हूँ आपको, 12th के बच्चे ने, एक बच्चे ने क्लास खत्म होने के बाद मुझसे यही डाउट लिया कि सर ये ऑक्सीडेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ती, ये कैसे कर देते हो KMnO4 के साथ में, कभी कोल्ड लेके कभी गर्म, गर्म और ठंडा KMnO4 कैसे रिएक्शन करता है, ठीक है, उसके काफी सारे स्टेप हैं। तो ये उनको समझ नहीं आई, जबकि बहुत रिएक्शन आती है इसकी, हर लेसन में रिएक्शन आएंगी इसकी, सेम टू सेम डिट्टो काम होने वाला है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भी कंफ्यूजन हो गई थी, तो इसलिए इसको ध्यान से करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कंफ्यूज कर देता है ये, याद तो हो जाती है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो भाई रिएक्शन इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में भी क्लासिफाइड जो टू कैटेगरीज, तो फर्स्ट है भाई पाई बॉन्ड विदाउट क्लीवेज ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ पाई बॉन्ड टूटता है, सेकंड है पाई बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ सिग्मा, मतलब सिग्मा और पाई दोनों टूटते हैं, डबल बॉन्ड टूटता है या सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये ऐसी बकवास चीज है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ठीक है, वो तो नीचे अपने आप आपको समझ में आएगा, अपना पाई देखोगे ना सिग्मा, सीधा याद करना है। ऑक्सीडेशन ऑफ पाई बॉन्ड विदाउट क्लीवेज सिग्मा बॉन्ड, तो हाइड्रोक्साइलेशन यूजिंग बेयर रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को बेयर रिएजेंट बोलते हैं, याद रहेगा? यस सर।
पचासों नाम मैंने ऐसे याद करवा दिए होंगे, इस रिएजेंट को ये बोलते हैं, इस रिएजेंट को ये बोलते हैं, सारे याद करना के सर ऐसे फालतू में बोलते रहते होंगे ना इतने सारे तो नाम है, हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो याद हो ही जाएंगे, चिंता मत करना ठीक है तो सोचने वाली बात है। 118 एलिमेंट के नाम, 118 एलिमेंट्स के नाम होगा ये, वो भी आदि करने होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये 300-400 करोड़ समझ रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सर एक सवाल था मेरा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है आप एक क्वेश्चन कर रहे हो फिर आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो अपनी रिसर्च वर्क के लिए और अचानक से भूल गए ये क्या है? बहुत बार, हमेशा ऐसे होता है, लास्ट में ये तो क्या है? आप कह रहे हो कि दिमाग खराब, केमिस्ट्री पढ़ाते हो इतना कुछ करते हो ये याद क्यों नहीं आ रहा नहीं मुझे ना अपने आप पर ये भरोसा हो चुका है कि हम पैदाइशी मूर्ख पैदा होते हैं और सारी उम्र मूर्ख ही रहते हैं, मैं अपने आप को यही समझता हूँ, इससे बड़ा मैं समझता ही नहीं। तो जब भी कोई नई रिएक्शन आती है या मुझे याद नहीं आ रहा होता कुछ, तो मुझे प्रूव बार बार मैं अपने आप को प्रूव करता हूँ, यस आई एम द फुलिश पर्सन, मैं बहुत मूर्ख इंसान हूँ, है ना फुलिश। तो भाई ये मुझे ऑलरेडी पता है, चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। आप छोटे हो भी तो आपको लगता है कि हमने इतना पढ़ लिया हमें फिर भी कुछ नहीं आता, जब आप सच में पढ़ जाओगे ना तब आपको लगेगा यार ये तो अथाह समुंदर है, इसको समझा नहीं जा सकता पूरी तरह से, बस कुछ बाल्टी पानी भरने के बाद हमें लगता कि हम तो चार बाल्टी पानी से नहा लिए, वो गधा तो चार दिन से नहाया नहीं है, तो हमें लगता बस हम ही सुंदर दिख रहे हैं, है ना जबकि सुंदरता के मायने ही हमें नहीं पता है, ये है प्रॉब्लम विद अस, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं आता बेटा, सच में किसी को कुछ नहीं आता। लड़कियों की ट्यूशन लेना पड़ेगा सुंदरता के लिए तो। चलो अब आगे जरा पढ़ते हैं, बेयर रिएजेंट है भाई, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, तो ये क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, OH जहां पर डबल बॉन्ड होता है, जहां पर डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के दोनों तरफ OH लगा देता है, सीधी भाषा में बोले तो बस और कुछ भी नहीं, MnO2 निकाल देता है, H2SO सेवरल स्टेप, काफी सारे स्टेप्स के साथ वाटर जब जुड़ता है लास्ट में तो ये हो जाता है। तो देखो क्या होता है भाई, यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और O नेगेटिव, KMnO4 का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, यहाँ पर K पॉजिटिव लगा हुआ है इसके साथ, के पॉजिटिव सॉल्यूशन में घूमता रहता है, वैसे कोई खास बात नहीं है, ठीक है, कोल्ड है, ठंडा है ये बेचारा, याद रखना KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन अगर इसको ठंडा कर दिया तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है ठंडा करने से, ठीक है, कोई भी चीज है उसको अगर कोल्ड में डाल देंगे तो वो रिएक्शन रेट घट जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, वो जमने लगता है, उसके उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होने लग जाती है, वाइब्रेशन एनर्जी कम होने लग जाती है जब उसको ठंडा करते हैं किसी भी चीज को, जिसकी वजह से जम जाता है तो वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये कोल्ड है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, ये स्ट्रॉन्ग होते हुए भी कम रिएक्टिविटी है, तो देखो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, इधर से ये बॉन्ड तो इधर जुड़ गया, अभी इस ऑक्सीजन के पास कम हो जाता है और इधर से ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन दोनों की जोनों से सिंगल बॉन्डेड हो जाती है और दोनों के साथ बॉन्ड अलग जाता है, ठीक है, इसका बॉन्ड इधर चला गया और इसका बॉन्ड भी इधर चला गया, कैसा होता है, नहीं इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर हो जाते हैं, ये बॉन्ड तो इधर ही रहता है, इनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेयर हो जाते हैं दोनों के बॉन्ड, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। एनीथिंग एल्स आप जो भी मानना चाहें, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए सीधा याद कर सकते हैं कि ये ऐसे जुड़ जाता है, सिंगल बॉन्डेड हो जाता है। फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करते हैं, काफी सारे स्टेप्स होते हैं, तो एक के साथ एच, एक के साथ OH जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पर एच, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और मैग्नीज के दो ऑक्सीजन कम हो गए, ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, ये आल्सो लिखा हुआ है, तो इससे पहले अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज होती थी आप लोग बताओगे, याद है किसी को? सर क्या बताने, डबल बॉन्ड को टेस्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन थी, अभी हमने रिसेंटली लास्ट ब्रोमीन डालते हैं सर, यस ब्रोमीन डालते हैं ना, ब्रोमीन टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन का हल्का रेडिश कलर होता है, डबल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ जाती है, जैसे दोनों तरफ OH जुड़ा है वैसे ब्रोमीन जुड़ जाती है, और जिससे ब्रोमीन का कलर कलरलेस हो जाता है, सिंपल। तो ये भी यूज होती है, KMnO4 के साथ में भी ऐसा किया जाता है, KMnO4 का अपना एक करेक्टरिस्टिक कलर होता है, कैसा होता है पता है, वायलेट, वायलेट सा कलर होता है, या फिर थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा कलर होता है, अगर वायलेट को थोड़ा डाइल्यूट कर दो तो रेडिश सा नजर आने लगता है, वो कलर उसका खत्म हो जाता है,
ठीक है, जिसकी वजह से वो बेटर हो जाता है। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमें पता लग जाता है जब इसका कलर खत्म हो गया KMnO4 का, तो खत्म कहानी, तो मतलब डबल बॉन्ड इसने तोड़ दिया। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये भाई साहब ऐसे से ऐसा बन जाता है, कहां KMnO4 था, चार चार ऑक्सीजन, कहां दो ऑक्सीजन रह गई, के भी चला गया, तो इसकी शक्ल बदल दी, इसका कलर बदल दिया, बात खत्म। कलर बदल दिया तो हमें पता लग गया इसने रिएक्शन कर ली, वरना अगर ये रिएक्शन ना करता तो ये कलर ना बदलता, ये डबल बॉन्ड ना टूटता, तो ये ऐसा ना होता, तो ये KMnO4 ऐसा ही रहता, ऐसा ही रहता तो फिर इसका कलर भी ऐसा ही रहता। क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके बेटा, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसका देखिए क्या है, बेयर रेजेंट पर्पल इन कलर, ये मैंने आपको बता ही दिया, पर्पल रेडिश टाइप में होता है, तो ये पर्पल होता है इसका कलर। वायलेट कह सकते हैं, वायलेट, पर्पल वायलेट अलग अलग होते हैं क्या? सेम से ही होते हैं यार, है ना? रिएक्शन प्रोसीड, पर्पल कलर डिसअपीयर, तो पर्पल कलर डिसअपीयर हो जाता है। लड़कियों को ना कलर के बारे में बहुत अच्छी समझ है। एंड ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ MnO2 ऑब्जर्व्ड, MnO2 ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन इन कलर है, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, ब्राउन सॉलिड, ठीक है, इसको एरो नीचे दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड, सॉल्यूशन में घुलता नहीं है ये, यहां पर ऊपर लिख देते हैं इसको, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस सर। इस तरह से हमें मतलब पर्पल कलर से ब्राउन कलर मिल जाता, हमें पता लगता है कि ये डबल बॉन्ड था। KMnO4 डाल दो एल्कीन में या फिर ब्रोमीन डाल दो। ब्रोमीन जो है वो बहुत क्या होता है, ब्रोमीन बहुत ही खतरनाक होता है, कार्सिनोजेनिक इन नेचर होता है, क्यों पंगे लेने उससे कैंसर फैलाता है, इसीलिए KMnO4 डालो, ठीक है, लैब से दूर रहना, याद रख लेना, बहुत खतरनाक चीजें होती है लैब में। अब बात करते हैं अभी हमारे जो सबसे स्वीटेस्ट रिएक्शंस हैं, जिसमें काफी सारे तड़क भड़क वाले चीजें हैं, तो उन रिएक्शंस की बात करते हैं कि डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ा जाता है, खींच के तोड़ेंगे अब इन्हें। तो देखो भाई, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा लो, वैसे इन्होंने ओजोनोलाइसिस दिखाई सबसे पहले, तो है ना, पहले ओजोनोलाइसिस को करेंगे, बाद में करते हैं वो वाले रिएक्शंस नहीं है। तो ओजोनोलाइसिस क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ओजोन कैसे जुड़ती है, यहाँ तो इन्होंने सीधा सीधा करके दिखा दिया, लेकिन जनरली ओजोन कैसे जुड़ती है, कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो तो हम ओजोन को ऐसे पेंटागनल रिंग बना देते हैं, ये देखिए ऐसे दिख रहा है सबको, पेंटागनल रिंग, और बीच में से दोनों डबल बॉन्ड को गायब कर दो, ऐसा करती है ओजोन जब जुड़ती है हमारे डबल बॉन्ड के साथ। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। और फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन बीच में से निकल जाती है, ये गायब, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, इसके साथ डबल बॉन्ड हो, तो सीधी भाषा में कहें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को उड़ा दो, डबल बॉन्ड को उड़ा दो, सिंपल ये कर लो, और इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड हो लगा दो, बीच वाला डबल बॉन्ड उड़ा दो, बस यही करती है ओजोन। क्लियर है? यस सर। बहुत ही फेमस सा एक डायग्राम बनाते होते हैं इसमें पेंटागनल रिंग का कुछ ऐसा, तो मैं वो डायग्राम यहाँ भी बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है, और बाद में ये ऑक्सीजन इसके साथ जाता है, ये ऑक्सीजन इसके साथ जाता है, ऐसा डायग्राम बनता है भाई। तो ये डायग्राम भी आप, करेक्टरिस्टिक डायग्राम है, ओनली फॉर ओजोन यूज होता है, तो ओजोन O3 है, तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं, एटम ऐसे जुड़ते हैं, फिर ऐसे क्लीवेज हो जाती है डबल बॉन्ड की। क्लियर है? उससे क्या हुआ, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो, RCHO LDHD बन गया, इसके साथ दूसरे वाले का RR लगा हुआ, देखो RR कीटोन बन गया, जो भी जिसके साथ लगा बाकी सब वैसे रखना, तो अगर एल्डिहाइड बन रहा है एल्डिहाइड बनाओ, कीटोन बन रहा है कीटोन बनाओ, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्शन हो गया, ओजोनोलाइसिस रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, क्या हुआ? ओजोन का तो रिडक्शन हुआ और ये जो कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, हाँ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस भी है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, तो इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताई है तो रिडक्टिव वाली है, ठीक है, ये रिडक्टिव वाली है। अब ऑक्सीडेटिव में क्या होता है, O3 और वाटर, वहां देखो O3 वाटर प्लस जिंक है, यहाँ O3 और ओनली वाटर है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ऑक्सीडेटिव इसमें क्या होता है भाई, सी डबल बॉन्ड OOH, ध्यान दे लेना, यानी ये जो था इधर वाला जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, उधर वाला क्या रहा, वो सेम टू सेम, वो तो कीटोन, तो कीटोन, कीटोन में कोई फर्क नहीं पड़ा, एल्डिहाइड क्या बन गया, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड से आगे फिर से ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये एक और ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ जुड़ जाता है सिंपली।
एल्डिहाइड के साथ एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है, वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, इसमें डिफरेंस आएगा सर। क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से ये दोनों रिएक्शंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, याद रख लेना, ठीक है? दोनों की दोनों आपको ध्यान से करनी है। नेक्स्ट देखिए अब जरा इसके अंदर O3, अब इसका मैकेनिज्म दिखा रखा है, देखो मैंने यही चीज दिखाई थी। ओजोनाइड बनता है इसके अंदर, पेंटागनल रिंग बन रही है, ठीक है? अब पेंटागनल रिंग के अंदर अगर ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ जिंक दे रहे हैं या फिर अकेला वाटर दे रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है, उसमें डिफरेंस नजर आएगा। तो ऊपर वाले को हम रब कर सकते हैं, ये मैकेनिज्म वहां भी दिखाई रखा है ना, ठीक है? तो देखिए भाई जरा बस ये ध्यान रख लेना कि वाटर विद जिंक है, यहाँ पर ओनली वाटर है, ठीक है? वाटर विद जिंक अगर करते हैं तो हमारा यही रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, सेम है, नथिंग स्पेशल। तो देखो हुआ क्या, O3 था तो O3 कुछ ऐसे जुड़ता है, तीन ऑक्सीजन के एटम्स है तो दो नीचे जुड़ते हैं एक ऊपर की तरफ, कुछ इस तरह से ओजोनाइड बनेगा, सिंपल है, ये मैकेनिज्म ही समझ लो, इसका कुछ नहीं है। फिर यहाँ ऐसे करके ऐसे क्लीवेज होती है ओजोनाइड के अंदर, ठीक है? इस तरह से इसकी क्लीवेज होती है, ये टूटता है, तो टूटने को थोड़ा बेटरली दिखाएंगे ताकि आपको समझ आएगी कैसे टूटता है ना। कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे टूटेगा और इसी से फिर हमारे आगे के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो देखो भाई रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में तो सीधा सीधा इन दोनों के साथ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में देखो यहाँ एल्डिहाइड ही बना था पहले, यहाँ कीटोन ही बना था पहले, फिर H2O2, ठीक है? एक H2O2 वाटर के साथ एक ऑक्सीजन वाटर ले गया और ये बन गया H2O2। क्लियर है? ये समझ में आया? Yes, sir. है ना, क्यों ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों बना? अब H2O2 क्या करता है, वो कीटोन को तो कुछ नहीं कर पाता लेकिन वो एल्डिहाइड के साथ में ऑक्सीडेशन कर पाता है, इसलिए वो एल्डिहाइड के साथ ऐसा करता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब यहां पर भी वो जो एक ऑक्सीजन पानी के साथ जाता है तो वो H2O2 जो है बनाता वो भी वही H2O2, बट वो जिंक के साथ मिलकर, जिंक के साथ मिलकर ZnO प्लस वाटर बना देता है। यानी कि यहां पर क्या किया हमने, इस H2O2 ने जो ऑक्सीडेशन दिया, जो ऑक्सीजन दी वो जिंक ले गया, इसलिए रिडक्शन कर दिया, क्योंकि उस H2O2 का कोई काम नहीं बनाया, H2O2 कोई काम नहीं आई। क्लियर है? यस सर। जिंक की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि जिंक H2O2 को एक्चुअल में रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से आगे ऑक्सीडेशन रुक जाती है, वरना वो एल्डिहाइड या कीटोन जो बन रहा। अगर मान लो दोनों एल्डिहाइड बन जाते तो, अगर दोनों कैसे एल्डिहाइड बन सकते हैं, यहां पर भी मैं H लगा दूं तो दोनों एल्डिहाइड बनेंगे। यस क्लियर है बेटा? यस सर। तो दोनों एल्डिहाइड बने और मैं जिंक ना लगाऊं तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और अगर मैं जिंक लगा दूं तो फिर दोनों एल्डिहाइड की फॉर्म में ही रुक जाएंगे, यहाँ H लगा रह जाएगा, दोनों एल्डिहाइड की फॉर्म में रुक जाएंगे। तो यानी एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडेशन होने से H2O2 के से रोकता है, क्योंकि इस रिएक्शन में H2O2 भी बनती है, याद रख लेना, इस रिएक्शन में H2O2 भी बन रही है, ठीक है? यहाँ पर भी बनती है, इन्होंने शो नहीं किया तो हम यहाँ पर इसे भी शो कर देते हैं H2O2, है ना? बाद में जिंक H2O2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ गया ना सबको? यस सर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेटिव फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस व्हाइल द ऑक्सीडेशन कीटोन डज नॉट टेक प्लेस। कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए नहीं होता। एल्डिहाइड का देखो ओजोनोलाइसिस के अंदर फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस और कीटोन डज नॉट टेक प्लेस। कीटोन का नहीं होता ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, क्यों नहीं होता? कीटोन जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव, यहां लिख देता हूं, ये लेस रिएक्टिव है कीटोन, क्योंकि लेस रिएक्टिव इसलिए इनका नहीं होता, उनका हो जाता है। इफ फॉर्मिक एसिड इज फॉर्म्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अब ये वाली लाइन, अगर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, अगर ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड अगर बनता है तो ये फिर से ऑक्सीडेशन कर लेता है, और देखो यहां लिखा हुआ है ये फॉर्मिक एसिड था HCHO, HC डबल बॉन्ड OOH, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसे, या मेथेनोइक एसिड बोल सकते हो, IUPAC नेम, ठीक है? ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर लेता है, किसके साथ ऑक्सीडेशन करेगा? ये H2O2 के साथ ही करेगा डेफिनेटली, ओजोनोलाइसिस में जो H2O2 बनता है, और इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है,
यानी अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो फिर से ऑक्सीडेशन कर लेगा, अगर पहला नहीं बन रहा, पहले के अलावा कोई भी बन रहा है, तो वैसा ही परसिस्ट करेगा, वो ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं करेगा। यस क्लियर है सबको? तो ऑक्सीडेशन को ध्यान से करना है, थोड़ा सा चेंज करते ही कुछ गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, फिर से रिवाइज करवाता हूं, देखो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से करने वाली। पीछे चलते हैं, अगर हम कोल्ड के MnO4 डालते हैं ठंडा, तो वो एल्कोहल बनाता है, दोनों तरफ OH लगा देता है, बस इतनी सी बात याद रखनी। क्लियर है? और ये अनसैचुरेशन के टेस्ट में काम आता है। ठीक है बेटा, और ये तो पता होगा ना, ये CH3 है, ये भी CH3 है, जो कॉर्नर छोड़ देते हैं ऐसा कैसा, वो CH3 होता है, ये C है, ये C है, तो इसकी चारों कार्बन की वैलेंसी पूरी, ये कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, पता है ये सबको? यस सर, है ना, ये वाले मॉलिक्यूल्स का पता होगा, नहीं पता तो आप कार्बन वार्बन लिख के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाले में क्या हमने किया, ओजोनोलाइसिस है, ओजोन जो है वो तीन पेंटागनल रिंग बनाती है, सीधी सी बात है, फिर रिंग क्लीवेज हो जाती है, रिंग क्लीवेज के साथ में क्या बनता है, पानी जो है वो H2O2 भी बनाएगा, लेकिन अगर जिंक डाल दिया तो H2O2 को वो खा जाएगा, तो मतलब वो सिर्फ एक ऑक्सीडेशन करेगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों तरफ लगा दो, बात करते। लेकिन अगर पानी के अलावा कुछ और है, मतलब सॉरी अगर जिंक नहीं है, तो फिर H2O2 फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगी, वो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगी, कीटोन का नहीं करेगी। तो यहां से एक बात कंफर्म होती है कि अगर मैं सीधा बोलूं कि आपने आपको मैं एल्डिहाइड दे रहा हूं, कीटोन दे रहा हूं, और आपको ऑक्सीडेशन करवाना है H2O2 से, तो आप बोल सकते हैं कि कीटोन नहीं करेगा, एल्डिहाइड कर लेगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। और अगर पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले के अलावा दूसरा जो कोई होगा वो नहीं होगा। यस क्लियर है बेटा? यस सर, सबको समझ में आ गया ना, कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए वो नहीं करेंगे, और पहला कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब हमने KMnO4 क्या किया था, ठंडा लिया था, ठंडा लेस रिएक्टिव होता है, कोल्ड इज लेस रिएक्टिव। अब हम इसको गर्म करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 H पॉजिटिव आयन एसिड के साथ, K2Cr2O7 H पॉजिटिव आयन के साथ, एसिड के साथ। पहले ठंडा लिया था, आप एसिड या बेस के साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक KMnO4 और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज एल्कीन टू एल्कीटोन्स एंड एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एल्कीन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, बाकी सब बकवास लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां देखिए अब हो क्या रहा है, मैं ऑक्सीडेशन खत्म करके ही मैं ये लेसन को उसको लेक्चर को खत्म करूंगा, तो ये ध्यान से कर लेना। डबल बॉन्ड है, क्लियर है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो क्या करता है ये बॉन्ड बीच में से तोड़ देगा, तोड़ेगा तो क्या करता है पता है? अब मैं इसके बीच के प्रोसेसेस बताता हूँ आपको कि होता क्या है। तोड़ेगा तो सबसे पहले बनाएगा दोनों को डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दोनों के साथ ऑक्सीजन लगा दो, क्या मैंने फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन लगा दो, अब ये क्या बन गया एल्डिहाइड, ये क्या बन गया एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए। यस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नीचे देखो इसने क्या कर रखा, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, ये क्या बना एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर O3 ऑक्सीडाइज कर सकता है तो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग KMnO4 है ना, ये तो कर ही सकता, तो ये फिर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। यस क्लियर है? यस सर। और यहां पर क्या बना था, ये बना था कीटोन, कीटोन ऐसा कैसा रह गया, क्या कीटोन ऐसा कैसा रह जाता, नहीं कीटोन ऐसा नहीं रहता, ये भी बता देता हूँ, कीटोन भी फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन मैं उसकी रिएक्शन फर्दर लिख दूंगा, पॉलीमराइजेशन, बकवास, हम इसी को डिटेल करेंगे अब। तो देखो भाई ये दोनों रिएक्शन मैं मेरी तरफ से लिख रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर रहे थोड़ा, सबसे पहले इसको ना याद करें, ठीक है ये लो खत्म, इसके कोई एरो नहीं लगाया मैंने, मैं यहां से रिएक्शन लिख रहा हूँ, देखिए CH3 जो मार्क किया हुआ है ना वो जरूर पढ़ना होता है आपको, पता है CH फिर CH3, अब इसकी रिएक्शन हमने करवा दी KMnO4 से, KMnO4 एसिडिक KMnO4, बेसिक भी ले सकते हैं आप, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हमें तो लिखना ही है, दिक्कत क्या है, रिएक्शन में अगर दिक्कत आ रही तो दिक्कत है। तो देखो अब आगे क्या होगा, तो ये क्या करता है भाई, मैं सबसे पहले इसको ऑक्सीडाइज करवा रहा हूँ, CH3 CH था, ठीक है H को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, और ये डबल बॉन्ड O, मैंने इस डबल बॉन्ड को यहां से तोड़ दिया, ठीक है, और डबल बॉन्ड O दिखा दिया। क्लियर है बेटा? यस सर। तो दूसरे वाला प्लस में दूसरे वाला मॉलिक्यूल देखो,
ये सी एच था, बिल्कुल सी एच है, इसके साथ भी यहाँ डबल बॉन्ड ओ दिखा दिया, ये वाला डबल बॉन्ड ओ तोड़ा तो दोनों के साथ डबल बॉन्ड ओ लगाऊंगा, ठीक है, और सी एच थ्री। सबसे पहले तो ये बनेंगे, दोनों क्या बने, एल्डिहाइड बन रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड बन रहे हैं, तो दो, मैं यहाँ दो भी लिख सकता था, दो एल्डिहाइड, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर रहे, ये मुझे बिल्कुल सबको आना चाहिए। कल मैं सबसे ओरल पूछने वाला हूँ, याद नहीं करते ना आप लोग, सबका ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, और कल कोई नहीं बताएगा ना तो जैसे अभिजय है ना, इसके पेरेंट्स को कॉल करके मेरी तरफ से तीन चार थप्पड़ लगवाने के लिए कह रहा था ना, सबके पेरेंट्स को कॉल करूंगा इंडिविजुअली अलग अलग, है ना, और सबको बोलूंगा कि अब मेरे को ना आवाज आनी चाहिए थप्पड़ की, पड़क पड़क फोन पे थाड़, है ना, तभी मुझे शांति मिलेगी कि हाँ मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो थोड़ी मेहनत आपकी बनती है कि नहीं बनती, ठीक है, बनती तो है। बस सर एक मिनट, सर एक बार हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर चेक करने दो। हाँ हेल्थ इंश्योरेंस के पेपर, वो किस लिए, थप्पड़ से हेल्थ का क्या लेना देना है, अरे मेरी बात सुनो, बहुत फायदे हैं थप्पड़ के, गाल गर्म होगा, अंदर के मसल्स गर्म होंगे, जिसके जिससे क्या होगा, इसमें बहुत सारे मसल्स होते हैं फेस में, फेस का ग्लो आएगा, चमक बढ़ेगी, बूढ़े लेट बूढ़े हो गए, बुढ़ापा दूर चला जाएगा, इतने सारे फायदे हैं, और आपको हेल्थ इंश्योरेंस की पड़ी हुई है, क्या बात कर रहे हो बेटा, है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रख लेना भाई, मैं आप लोगों का चेहरा चमकाने के लिए बात नहीं, यहाँ भी आपका फायदा हो रहा है, सर नहीं सर, इसका मतलब होगा हर लड़की अपने आपको एक दिन में 3 से 4 करोड़ थप्पड़ मारती होगी। आपको ऐसा लगता है, उनमें जेनेटिकली अच्छा होता है, वो ना स्वभाव से सॉफ्ट होती हैं गर्ल्स जनरली, ठीक है, मैं अलग लड़कियों की बात कर रहा हूँ, और स्वभाव से और स्किन भी उनकी सॉफ्ट होती है, वो जेनेटिकली सॉफ्ट होती है, और हम लोग अक्खड़ होते हैं स्वभाव से, स्किन मूरख होते हैं, स्वभाव सर, स्वभाव वाली बात आपने गलत कह दी, स्वभाव से कोई लड़की सॉफ्ट नहीं होती है, अरे रहना दो बेटा, ठीक है, ये कभी फिर बात करेंगे, आप अभी आप बच्चे हो ना इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा, सर मैं बता रहा हूँ, आप किसी भी लड़की से ना 2 रुपए का पेन मांगो, वो देखो वो शिवानी लिख रही है, कोरियन पीपल करते हैं स्लैब थेरेपी, सच में करते हैं लोग, सच में मूर्ख हो सकते हैं, ठीक है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम यहाँ फोकस करते हैं कैमन ऑफ, वरना मैं कोरियन थेरेपी करवा दूंगा आप लोगों की, कल सोच लेना, आपके पेरेंट्स करेंगे कोरियन थेरेपी, फोन पे सुनूंगा, यस थड़ा थड़ी, चलो अब आगे की, फिर से कैमन ऑफ क्या करता है, इसको फिर से ऑक्सीडेशन करवा देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और इसके साथ ओ एच लगा देगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है इसके साथ भी वही करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ और इस तरफ ओ एच और इस तरफ सी एच थ्री लग गया, ठीक है खत्म। तो यहां पर होता है पहला स्टेप खत्म। अब ये वाली रिएक्शन अगर ऐसा हो तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड सी एच टू और यहां लगेगा सी एच थ्री, ठीक है, के एम एन ओ फोर डाल दिया, के एम एन ओ फोर पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट भी डाल सकते हो, के टू सी एल टू ओ सेवन, दोनों के नाम याद रख लेना, कल को कहीं कल को फॉर्मूला और नाम ही ना याद आए इन दोनों का, है ना, ऐसे भी महान बच्चे होंगे हमारे पास, कल मैं पूछने वाला हूँ थेरेपी तो कल पक्का होगी, कोरियन वाली, है ना, सबके चेहरे चमकाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, वी डोंट वांट अगली गाइज, वी वांट, वो कहते ना चमकता हुआ चेहरा, सबके चमकेंगे, पहले लाल होएगा फिर चमकेगा, ठीक है। तो यहां देखिए भाई, यहां पर सी एच थ्री ये कार्बन था, ठीक है, इसके साथ जो लगा हुआ उसको ऐसे ही रहने दो, इसका डबल बॉन्ड तोड़ा, उस डबल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड ओ लगा दो, डबल बॉन्ड ओ लगाया तो कीटोन बन गया, इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया कीटोन। प्लस में अब ये वाला कार्बन इसके साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन इसके साथ दो हाइड्रोजन है, इसके साथ डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, लग गया। अब क्या होता है, अब देखना जरा, जब इसको के एम एन ओ फोर, जब मैंने बोला था कि अगर फर्स्ट एल्डिहाइड से क्या बनेगा, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, है ना, अब ये बड़ा जबरदस्त करने, और ये कीटोन के साथ क्या होता है, कीटोन के साथ देख लो अब क्या होने वाला है, कीटोन कीटोन का बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, चाहे इधर वाला तोड़ दो चाहे इधर वाला तोड़ दो, कोई एक तोड़ो, दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, इधर वाला तोड़ के ही प्रोडक्ट बनाओ, इधर वाला तोड़ के ये दो कार्बन का प्रोडक्ट, जैसे हम पहले इधर वाला तोड़ रहे हैं ये, तो पहले इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट बनेगा,
और बाद में इसको तोड़ो, अब इन दोनों का प्रोडक्ट तोड़ो, इसका प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से सारे प्रोडक्ट आएंगे, क्योंकि वो सिमिलर प्रोडक्ट आएंगे, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो देखो अब क्या होने वाला, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये कीटोन था दो कार्बन वाला, यहाँ से दो कार्बन बचे तो मैं यहाँ दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा। ये दूसरा कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड लगाओ तो यहाँ पे OH लगा दिया, ये बन गया दो कार्बन वाला। प्लस में इसी के साथ क्या बन रहा है? एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच लगेगा, इधर एच लगेगा, ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बन गया कीटोन से प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरा इधर प्लस में ये क्या है? एल्डिहाइड है, इसको तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, तो इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो OH, और इधर OH। समझ में आया भी सबको? इसका बना कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका? इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अब फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फिर से KMnO4, मतलब ये कंटिन्यू रहता है, मैं तो आपको स्टेप्स में इसलिए दिखा रहा हूं आपको इजी हो जाए। अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनाएगा? CO2 प्लस वाटर, ये बन गया। ये समझ में आ गया सबको? इसका तो ये बन जाता है, क्लियर है बेटा? और yes, sir. ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका तो कुछ होने वाला नहीं है, तो ये तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और OH, इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये डिट्टो है, कुछ नहीं बिगड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? ये तो एल्डिहाइड बनाया है इसने, इस एल्डिहाइड को फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बना दूं, KMnO4 इसका तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना ही देता है, ये लो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब ये फिर से फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, क्योंकि एक ही कार्बन वाला है, तो इसका क्या करूंगा? अब जरा ये ध्यान दे लेना, ये एक ही कार्बन वाला ये बना है, ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग दिखा दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं फर्दर KMnO4 से रिएक्ट करवाऊंगा, KMnO4 फिर से रिएक्ट करवाऊंगा SD-KMnO4 से, तो देखो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तीन प्रोडक्ट बने थे, याद रख लेना, ये वाले प्रोडक्ट है हमारे, ये वाले नीचे वाले प्रोडक्ट, ठीक है, तो तीन प्रोडक्ट बने थे, ये समझ में आ रहा है? इसको मुझे लगता है रब करना पड़ेगा यहां से, ये एरो गड़बड़ कर रहा है ना भाई, इसको कैसे लगाऊं ये एरो, कैसे समझाऊं कि उसका एरो है, कोई आइडिया दो, क्रॉस लगा दो, ये यहां से ऐसे, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। अब देखो क्या होने वाला है, तो अब सिर्फ ये फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बाकी सब तो हमें पता ही है CO2 प्लस वाटर, बाकी सब डिट्टो रहेंगे, ये CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया, ओनली दिस वन, ठीक है, सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल ही ऐसा करेगा, इसका पेन बदल, सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल, इसकी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, बाकी सब तो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, जिसको जो होना है ना, देखो ये यही रहेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट ये और ये बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया भाई सबको क्या करता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइज करवाए जाओ, जब तक लास्ट तक हो रहा है, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बने उसको भी ऑक्सीडाइज करवा दो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और वरना अगर कीटोन बन रहा है तो उसकी चेन तोड़नी है, कीटोन की चेन तोड़नी है भाई, दोनों तरफ में से किसी एक साइड से तोड़ दो और फिर दोनों को क्या बनाओ, एल्डिहाइड बना दो या कीटोन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन बनते रहेंगे। तो यहां आप ध्यान देना, जब ये टूटा था तो ये क्या बना, इधर से इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये टूटा इसका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, वैसे यहाँ क्या बनना चाहिए था भाई, यहाँ पर वो बनेगा यार एल्डिहाइड बनेगा, ये मैंने गड़बड़ कर दी, रुको OH नहीं, सी डबल बॉन्ड OH, ये बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, इसका बनेगा एल्डिहाइड, इसका भी एल्डिहाइड बनेगा, है ना, कीटोन नहीं बनना किसी का, अब ये एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये सही है, और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही है, बट ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा तो ये आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहाँ क्या हुआ था, ये एल्डिहाइड था, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया, एल्डिहाइड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, कीटोन है तो कीटोन को फिर ऐसे ब्रेकआउट करेगा, बस ये ध्यान रखना, दिस इज कीटोन, समझ में आ गया? यस सर, सभी को क्लियर है ना, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज हमने क्या क्या किया, मेनली ऑक्सीडेशन किया, याद रखना रिकैप के अंदर, मेनली ऑक्सीडेशन किया,
ऑक्सीडेशन किया मैंने फोर कोल्ड के साथ, कोल्ड के साथ तो अल्कोहल बनाता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ OH लगाता है, लेकिन अगर वो हीटेड है और एच पॉजिटिव आयन के साथ में है तो फिर बहुत भयंकर वाला ये वाला पेज है। और बीच में किया ओजोनोलाइसिस वाला, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ओजोनोलाइसिस वाला, वो भी वो है। उसमें क्या होता है ओजोनोलाइसिस के अंदर, तो भाई वो भी एल्डिहाइड के टोन में बदल देता है, फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा तो सिर्फ एल्डिहाइड को वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, कीटोन को नहीं करेगा। और पहला कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देगा, सेम KMnO4 भी ऐसा करता है। समझ में आ गया? लास्ट की दो तीन स्लाइड है, लास्ट की तीन स्लाइड है भयंकर वाली, इंपॉर्टेंट है, कल सबको याद होनी चाहिए वरना सबकी कोरियन थेरेपी करवाएंगे, ठीक है, कोरियन थेरेपी याद रहेगी सबको, ठीक है सर। ठीक है, शिवानी ने बढ़िया बता दिया, कोरियन थेरेपी है ना, कोरिया वाले करवा, कमाल। चलो शिवानी इस थेरेपी रेगुलर कस्टमर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।